नमस्कार दोस्तों, टीवी इंडिया में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 14 जनवरी से पहले करें ये काम, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जी हाँ, हिंदू धर्म में खर मास के महीने को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। वही इस बार 16 दिसंबर से खर मास लगा है, जो 14 जनवरी तक रहेगा। इस काल को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, यानी इस महीने के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। पुराणों के मुताबिक इस महीने में किए गए दान, जप और तप का फल कई गुना अधिक होकर मिलता है। आज जानिए पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले कुछ सरल उपाय, जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि खर मास में रोजाना सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल और कुमकुम डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। संभव हो सके तो इसमें लाल पुष्प भी रखें। इससे सूर्य से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही पितरों की कृपा भी बनी रहती है। पीपल को श्री हरि विष्णु का साक्षात रूप माना जाता है, इसलिए खरमास में रोजाना पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर पूजा करें और सुख समृद्धि की कामना करें। इससे भगवान की कृपा बनी रहती है। खरमास में श्री हरि को पीले पुष्प व पीली मिठाई का भोग लगाएं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। खरमास के दिनों में जरूरतमंदों को यथाशक्ति अनाज, घी, कंबल, जूते और तिल से बनी चीजों का दान जरूर करें। इस महीने आने वाली दोनों एकादशी तिथि पर देवी माँ लक्ष्मी सहित श्री विष्णु का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करें, इससे धन लाभ के योग बनेंगे। खर मास में रोज सुबह तुलसी को दीप लगाएं और तुलसी नामष्टक का पाठ करें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ काम जो आप 14 जनवरी से पहले कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताएं।